हाय गाइस, मैं मिस्टर आज मैं आप सी कैमरा लेकर आ गया है, जिस पे आप वाव कहने पे तो मजबूरी हो जाओगे। तो बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर देखिए, आज हम आपके लिए एक और वर्कशीट लाए हैं, ठीक है, वर्कशीट 20 लाए हैं। हाँ, और अब हम उसको पढ़ेंगे बिल्कुल। अब मैं इससे पहले आपको देखिए, इसमें हमारे जनरली देखिए कैलेंडर गिवन है और कुछ क्वेश्चंस है, तो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूज द कैलेंडर टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब हमें इस कैलेंडर को देखना है कि जो आगे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि उनका आंसर देने के लिए हमें इस कैलेंडर को रेफर करना है। हाँ, तो फिर देखिए, अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। कलर द फर्स्ट मंडे ऑफ द मंथ येलो। ठीक है, हमें येलो जुलाई 2020 का एक कैलेंडर है, और हमको जो इसका फर्स्ट मंडे है ना, उसको येलो से कलर करना है। तो पहले हम अपनी ब्रश लेते हैं और उसका कलर कर देते हैं येलो। और अब देखिए, इसका फर्स्ट मंडे कौन सा है, तो पहले मंडे के कॉलम पे जाते हैं। अब मंडे सबसे उस पहला नीचे क्या है, तो वो है 6, यानी कि 6 जुलाई 2020। ये देखिए, मैंने इसको कलर भी कर दिया है फॉर योर रेफरेंस, आपकी रेफरेंस के लिए। तो फिर ये देखिए, अब आपने भी कर लिया होएगा। तो अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो फिर अब अगला क्वेश्चन है कि कलर द सेकेंड सैटरडे ऑफ द मंथ ग्रीन, राइट द डेट। हाँ जी, तो फिर अब हमें इस मंथ का सेकेंड सैटरडे ढूंढना है और उसको ग्रीन से कलर करना है। सबसे पहले हम अपनी ब्रश लेते हैं और उसको ग्रीन कलर में करते हैं। हाँ जी, और फिर देखते हैं हम किसका, सैटरडे वाले कॉलम को। सैटरडे वाले कॉलम मैं देखिए, अब पहला क्या है, 4, लेकिन इसमें सेकंड पूछा गया है। हाँ, आपको क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन गलत पढ़ेंगे तो फिर आप आंसर भी उसका गलत ही लिख देंगे। हाँ जी, तो फिर अब हमारा सेकंड कौन सा है, ये 11, यानी कि 11 जुलाई 2020। ये देखिए, 11 जुलाई 2020, ठीक है। और ये देखिए, मैं उसको कलर कर देता हूँ जैसा कि इस क्वेश्चन में गिवन है कि आपको कलर भी करना है। देखिए, अब मैंने कर दिया, आपको भी करना है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। हाउ मैनी ट्यूजडेज आर देयर इन दिस मंथ। हाँ जी, इस मंथ में कितने ट्यूजडेज हैं। तो फिर देखिए, अब हम जाते हैं ट्यूजडेज के कॉलम में, और ट्यूजडेज के कॉलम में कौन कौन सा है। पहले तो ये 7 है 1, ये फिर 14 है 2, फिर 21 है फिर 3, फिर 28 है फिर 4। हाँ, तो फिर इसमें कितने हैं, 4, तो फिर यहाँ आपका आंसर आएगा 4, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर आएगा 4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, ऑन विच डेट डज द लास्ट संडे फॉल। लास्ट संडे किस डेट, कौन सी डेट, ठीक है। तो फिर अब हम संडे के कॉलम पर जाते हैं। तो फिर देखिए, ये रहा हमारा संडे का कॉलम, और उसमें हमारा देखिए लास्ट कौन सा है, 5th तो फर्स्ट है, 12th तो सेकंड है, 19th तो थर्ड है, और 26th तो लास्ट है, क्योंकि उसके आगे कोई गिवन नहीं है। तो आपका आंसर आएगा 26, ये देखिए 26। और आप जुलाई 2020 की स्पेलिंग यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, 26 जुलाई 2020। तब आपने लिख दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आंसर्स हैं क्योंकि इसमें, ठीक है, और आगे के आंसर्स हम आगे देखेंगे, लेकिन ये आंसर्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ले लिया, हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू नो समवन हूज बर्थडे फॉल्स इन जुलाई, इफ़ यस राइट हिज हर नेम। अब क्या आपको पता है कि अगर किसी का बर्थडे जुलाई में
पड़ता है तो आप उसको नाम लिखना है। तो फिर अब मेरे ब्रदर का बर्थडे आता है, ठीक है, जुलाई में, 14 जुलाई 2020। तो फिर यहाँ पर मैं अपने ब्रदर का नाम तरुण लिख सकता हूँ। लेकिन देखिए, अब ज़रूरी नहीं है कि आपके किसी रिश्तेदार का, हाँ, या फिर मम्मी पापा का जुलाई में आता हो। अगर आता हो तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर ना आता हो तो फिर मेरे पास एक फेमस पर्सन है जो कि है हमारे बाल गंगाधर तिलक। तो फिर आप सबको पता होगा ये कौन है। हाँ जी, तो फिर अब हम इनका बर्थ डेट के बारे में जानते हैं। तो फिर ये कब पैदा हुए थे, 23 जुलाई 1856, ठीक है। तो फिर बाल गंगाधर तिलक पैदा हुए थे, देखिए, इस डेट पे। और अब आपको पता है कि उसका मतलब उन्होंने एक स्लोगन दिया था जो कि बहुत फेमस है, वह स्वराज्य इज माय बर्थ राइट एंड आई शॉल हैव इट। हाँ जी, तो फिर अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब इज देयर एनी फेस्टिवल दैट यू सेलिब्रेट इन दिस मंथ, इफ यस राइट इट्स नेम। अब बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं इस मंथ में, मैं आपको तीन का नाम बताता हूँ जो कि है मैंगो फेस्टिवल, हाँ आपको ये पता ही होएगा, और दूसरा है गुरु पूर्णिमा, हाँ, और तीसरा है पुरी रथ यात्रा। हाँ जी, तो फिर अब आपको इन फेस्टिवल्स का नाम याद रखना है, ठीक है। और अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, विद होम डू यू लाइक टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। अब यहाँ आप सबके अलग उत्तर होंगे अंजी, क्योंकि इसमें लिखा है आपको क्या, आपको मतलब किसके साथ फेस्टिवल्स मनाना पसंद है। तो फिर देखिए, फॉर योर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मुझे तो अपनी फैमिली के साथ फेस्टिवल्स मनाना पसंद है। हाँ जी, अब कुछ भी हो सकता है कि आपको फ्रेंड्स के साथ बनाना पसंद हो। हाँ जी, और बहुत कुछ है। तो फिर आप अपना आंसर लिख सकते हैं। अब बल्कि मैंने आपको अपना एग्जांपल तो दे ही दिया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हाँ जी, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये ऐसी वर्कशीट्स देखने के लिए। हाँ, आपको जैसे ही मैं वर्कशीट की वीडियो डालूंगा आपको पता लग जाएगा। तो फिर ओके, बाय गाइस।